हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं आप लोगों का डेली बेसिस पर जो आईई एंड आईएफएस की यूनिट वाइज हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसमें हम डेली बेसिस पर एक यूनिट को कवर कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 44, जिसका नाम है पैरा बैंकिंग सर्विसेज एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई दी बैंक। क्या होता है इस यूनिट में, उसके पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि जेआईबी का जो लक्ष्य बैच है ये लॉन्च हो चुका है और अभी यहाँ पर आपको मिलने वाला है 40% ऑफ हमारे सभी कोर्सेज पर। तो ये सारी डिटेल हम देखेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, यानी ऑलिव बोर्ड के साथ में, राइट। सो यहाँ पर पैरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करेगा बैंक, इस यूनिट के हम एमसीक्यूज को कवर करेंगे। उसके पहले हम ये जानते हैं पैरा बैंकिंग क्या होता है। पैरा बैंकिंग का मतलब क्या होता है, देखिए पैरा बैंकिंग को अगर मैं ऐसे बोलूं कि पैरेलल बैंकिंग नहीं, पैरा बैंकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे जितने भी द फंक्शंस बैंकिंग के या बैंक के जो फंक्शंस डिफाइन किए गए अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, उसमें ये बोला गया कि बैंक के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो दो फंक्शंस होते हैं। तो बेसिक फंक्शंस या प्राइमरी फंक्शन में पहला फंक्शन होता है टू एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा होता है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। मतलब यहाँ पर डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे बैंक्स और यहाँ पर ग्रांटिंग करेंगे लोन्स और एडवांस, या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस पे इस डिपॉजिट का जो भी अमाउंट आया उसे यहाँ पर क्या कर लेंगे, वो यूटिलाइज करेंगे। जब वो इसे यूटिलाइज करेंगे तो ये हुए प्राइमरी फंक्शन। इसके अलावा बैंक जितने भी फंक्शंस को परफॉर्म करता है दे ऑल आर कम्स अंडर इट्स सेकेंडरी फंक्शन। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि बैंक इंश्योरेंस भी बेचता है, तो क्या इंश्योरेंस पॉलिसीज डायरेक्टली बेचता है? हाँ, डायरेक्टली भी बेच सकता है या फिर वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी बेच सकता है। किसी और के प्रोडक्ट को बेच करके उससे क्या कर सकता है, कमीशन कमा सकता है, फीस बेस्ड एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। और क्या कर सकता है, दूसरा क्या कर सकता है, डायरेक्ट लोन की बजाय लोगों को डिफरेंट टाइप के हायर परचेज लीज फाइनेंस कर दे, ये भी कर सकता है, हाँ कर सकता है। इसके अलावा पेंशन प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। म्यूचुअल फंड्स भी प्रोवाइड कर सकता है, एग्जैक्टली करेगा म्यूचुअल फंड्स भी प्रोवाइड। और क्या करेगा, क्या यहाँ पे फैक्टोरिंग सर्विस प्रोवाइड कर देगा, एग्जैक्टली करेगा। फैक्टोरिंग, फोर फीटिंग, ये सारी सर्विसेज, लेटर ऑफ क्रेडिट बना देना, बैंक गारंटी प्रोवाइड करना, ये सारे फंक्शंस जो होगा वो बैंक प्रोवाइड करेगा। इट मींस कि अदर देन द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट दैट कलेक्टेड थ्रू द डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, इन सभी चीजों को बैंक क्या करेगा, यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा और फिर उसे एडवांस और लोन की तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये जो बैंक के प्राइमरी फंक्शन है, अदर देन दीज फंक्शंस बैंक जितने भी फंक्शंस को परफॉर्म करता है दे ऑल कम्स अंडर द विच फंक्शन, दे ऑल कम्स अंडर द सेकेंडरी फंक्शन। और उसके अलावा हम अगर इसे बोलें तो ये सारे बैंक के पैरा बैंकिंग सर्विसेज के अंडर आएंगे। तो बहुत सारी सर्विसेज होती है इनके अलावा जो बैंक प्रोवाइड करते हैं, दे ऑल कम्स अंडर द पैरा बैंकिंग सर्विसेज, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना, पेंशन फंड प्रोवाइड करना, पेंशन रिलेटेड स्कीम प्रोवाइड करना, हायर परचेज में इन्वॉल्व हो जाना, लीज फाइनेंस प्रोवाइड करना, म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करना, फैक्टरिंग फोर फिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सारी की सारी चीजें बैंक की पैरा बैंकिंग के अंडर आती हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, अप टू व्हाट एक्सटेंट ऑफ इट्स ओन कैपिटल एंड रिजर्व कैन अ बैंक इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सिडरी। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि अप टू व्हाट एक्सटेंट ऑफ इट्स ओन कैपिटल एंड रिजर्व, जो बैंक का अपना कैपिटल है और जो रिजर्व है उसके कितने एक्सटेंट का मतलब है, उससे ज्यादा कितने तक बैंक इन्वेस्ट कर सकता है फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सिडरी। अब क्या होता है इसको समझें, फिर अपन क्वेश्चंस पर आते हैं, मतलब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो बैंक डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करता, बैंक्स को अपने डिपार्टमेंट या फिर डिपार्टमेंट के अलावा एक सब्सिडरी फॉर्म करना पड़ता है और वो सब्सिडरीज वो फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं जो बैंक को अपने प्राइमरी फंक्शन के अलावा दूसरी सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है। जैसे कि बहुत सारा, लाइक बैंक ने क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना है। अब ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बैंक नहीं बेच सकता, क्योंकि बैंक इज अ बैंकिंग कंपनी जिसके फंक्शंस ऑलरेडी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में डिफाइन है, और उसके अलावा अगर काम करना तो बैंक्स हैव टू मेक अ सब्सिडरी या फिर डिवीजन, डिवीजन बना ले, डिपार्टमेंट बना या सब्सिडरी बनाए, तो बैंक क्या करता है, सब्सिडरी बनाता है। और बैंक अपनी सब्सिडरी से वो काम कराता है, वो सर्विस बिकवाता है या वो प्रोडक्ट बिकवाता है जो उसे अपने कस्टमर्स को सेल आउट करना। तो ये कहा यह जा रहा है कि बैंक जो होता है वो अपने खुद के कैपिटल रिजर्व्स के अलावा उससे ज्यादा
कितने परसेंट तक इन्वेस्ट कर सकता है फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सिडियरी में, अप टू 5%, अप टू 10, अप टू 20 और नन ऑफ द अबव। ये सेम क्वेश्चन अक्टूबर 2023 JAIIB एंड DBF एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अप टू 10%। बैंक अपने ऑन कैपिटल, उनके स्वयं के कैपिटल और रिजर्व के अलावा, अगर उन्हें यहाँ पर इन्वेस्ट करना है फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सिडरीज में, तो अप टू 10% ही वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन दैट द बैंक एक्टिंग एज अ स्पॉन्सर ऑफ IDF NBFC, राइट। सो यहां पर पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम परसेंट इक्विटी का कंट्रीब्यूट कर सकता है बैंक जो कि एक्ट करता है एज अ स्पॉन्सर, किसका, IDF NBFC के रूप में। तो कितना परसेंट करेगा, 10%, 20%, 49 और 51%। तो ये पूछ रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब ये है कि यहाँ पूछा जा रहा है अप टू व्हाट परसेंट। सो आपको बताना है अप टू व्हाट परसेंट। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी कहता है यहाँ पर, ऑप्शन ए कहता है 10%, बी 25, सी 49 और डी कहता है 51%। बताइए व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर। राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, अप टू की बात करें तो मैक्सिमम जो होगा वो अपनी इक्विटी का कितना, 49% तक जो होगा इक्विटी कंट्रीब्यूशन कर सकता है बैंक यदि IDF NBFCs के रूप में कंट्रीब्यूट करना चाहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ बैंक डिजायरस ऑफ सेटिंग अप अ प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस थ्रू अ सब्सिडियरी इट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज। अब क्या होता है यहाँ पर PD, PD का मतलब होता है प्राइमरी डीलर। प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा जब भी हम फॉरेक्स की बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस की या फिर ट्रेड की या फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड सर्विसेज की, तो यहाँ पर ये फॉरेक्स में इन्वॉल्व होने के लिए बैंक्स और प्राइमरी डीलर की डिफरेंट कैटेगरीज को यहाँ पर RBI क्या करता है, परमिट करता है, अप्रूवल देता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कोई बैंक चाहता है, डिजायरस मतलब खुद से चाहता है कि वो एक प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस को चलाए, किसके थ्रू, सब्सिडरी के थ्रू, तो उसे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा एज अ किस तरीके की कंपनी या किसके रूप में उसे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसे रजिस्टर्ड होना होगा एज अ NBFC विद RBI, RBI के पास NBFC के रूप में रजिस्टर्ड होना होगा। मर्चेंट बैंकर विद सेबी, सेबी के पास में मर्चेंट बैंकर की तरह रजिस्टर्ड होना होगा। ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइडर विद सेबी, सेबी के पास वो रजिस्टर्ड होगा एज अ ब्रोकरेज सर्विसेज और नन ऑफ द अबव। मतलब यदि किसी बैंक को प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस में एंटर करना है थ्रू सब्सिडरी, तो उसको उस बैंक को किस तरीके से रजिस्टर्ड करना होगा, NBFC की तरह RBI के पास रजिस्टर्ड होना होगा, मर्चेंट बैंकर की तरह सेबी के पास रजिस्टर्ड होना होगा, ब्रोकरेज सर्विस प्रोवाइडर की तरह सेबी के पास रजिस्टर्ड होना होगा या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो प्राइमरी डीलर की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, प्राइमरी डीलर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4। इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग बैंकर्स यहाँ पर कवर होते हैं और इनकी लिमिट्स होती हैं कि किस तरीके का प्राइमरी डीलर किस तरीके के ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व हो सकता है। देयर आर सर्टन लिमिटेशंस आर सो उनको फॉलो करना होता है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि प्राइमरी डीलरशिप के लिए बैंक्स को एज एन NBFC रजिस्टर्ड होना पड़ता है। एनबीएफसी बोले तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, क्या होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में इनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ओन्ड फंड दैट अ बैंक डिजायरिंग टू परसुइंग इंश्योरेंस बिजनेस विद द रिस्क पार्टिसिपेशन शुड हैव। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर मिनिमम अमाउंट, कम से कम अमाउंट कितना चाहिए अपने ओन्ड फंड का
उस बैंक को जो बैंक चाहता है कि इंश्योरेंस बिजनेस में वो एंटर करे और रिस्क पार्टिसिपेशन के साथ में, तो उसके पास कितना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए? 100 CR, 1500 CR, 1000 CR और 5000 CR, कितना करोड़ रुपए उसके पास होना चाहिए यदि वो रिस्क पार्टिसिपेशन के साथ एंटर करना चाहता है किसी बड़ी इंश्योरेंस बिजनेस में। रिस्क पार्टिसिपेशन का मतलब यह है कि वो ऑलरेडी किस तरीके के काम करेगा, वो यहाँ पे मिल करके, मतलब म्यूचुअली दो कंपनी एक साथ मिलकर के काम करेंगी, बैंक प्लस इंश्योरेंस कंपनी, ये दोनों मिलकर के काम करेंगे, राइट। तो इसके लिए बैंक के पास में ऑन फंड कितना होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट 100 CR, 1500, 1000 और 5000 CR। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1000 करोड़ रुपीज बैंक के पास होना जरूरी है, तो वही ये रिस्क पार्टिसिपेशन के साथ में इंश्योरेंस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। क्लियर क्लियर है, ठीक, आई होप ये समझ आ गया होगा। और अगर मैं बोलूं कि इंडिया में किसी को किसी कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है नॉर्मली, तो कितना मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है, तो वो कितना होगा, वो होगा 100 CR, 100 करोड़ रुपए से आप खोल सकते हो इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई। अगला क्वेश्चन कहता है द जनरल गाइडलाइंस, अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी ले लें अपन। द जनरल गाइडलाइंस अंडर द हेड, किसके हेड के अंडर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज बाय अ बैंक, इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। नंबर वन, बैंक डिजायरस ऑफ अंडरटेकिंग द बिजनेस परमिटेड अंडर द सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 ऑफ द बीआर एक्ट 1949 मे डू सो ईदर डिपार्टमेंटली। अगर कोई बैंक चाह करके कोई भी बिजनेस जो कि परमिट किया गया सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 ऑफ द बीआर एक्ट 1949 में, यदि वो करना चाहे तो वो कर सकता है अपने डिपार्टमेंट, खुद का इंडिविजुअल डिपार्टमेंट ओपन करके, या फिर एक सब सेपरेट अलग से एक सब्सिडरी बना ले उस पर्पस के लिए, उस पर्टिकुलरली अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 ऑफ द बीआर एक्ट 1949 में ये इनको ऑफर किया गया कि अगर कोई बैंक चाहता है कि वो बिजनेस करना चाहता है उन पर्टिकुलर बिजनेसेस में से जो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में डिफाइंड है, राइट। एन एक्टिविटी अंडरटेकन डिपार्टमेंटली, एक एक्टिविटी जो अंडरटेक की जाती है डिपार्टमेंटली, फॉलो आरबीआई गाइडलाइंस ऑन केवाईसी कंप्लायंसेस एज अ चार्टर ऑफ अ कस्टमर राइट्स इशूड, इन एडिशन ऑल द इंस्ट्रक्शंस रेगुलेशंस ऑफ रिस्पेक्टिव रेगुलेशन सच एज अ सीबी इडा एंड पीएफआरडीए एज अ एप्लीकेबल शैल ऑल्सो बी कंपाइल्ड विद मास्टर डायरेक्शन ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ बैंक्स एक्सपोजर वेर एवर एप्लीकेबल शैल ऑल्सो बी कंपाइल्ड विद। मतलब यहाँ पे जो भी गाइडलाइंस दी गई उनको भी यहाँ फॉलो करना है, चाहे आप डिपार्टमेंटली काम करो या फिर सब्सिडरी। बैंक आर ऑल्सो अलाउड टू होल्ड इक्विटी इन बोथ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी एज वेल एज द कंपनी नॉट एंगेज इन द फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटी। बैंक को आरबीआई ने अलाउ किया है कि वो इक्विटी होल्ड कर सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज की भी और उन कंपनीज की भी जो कंपनीज फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्टिविटीज में एंगेज ही नहीं है, लेकिन एक लिमिट स्पेसिफाइड है उसके अंडर जो कि सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 के अंडर है, बीआर एक्ट 1949 के अंडर, राइट। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि जनरल गाइडलाइंस जो है इसके अंडर कौन कौन सी गाइडलाइंस आती हैं, 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 3, 1, 2, 3, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इन गाइडलाइंस के अंडर कौन सी गाइडलाइंस आएगी, तो सबसे पहले तो आप भाई सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। ओके, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों तरीके की जो यहाँ पर जनरल गाइडलाइंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज बाय बैंक, इनमें ये तीनों गाइडलाइंस को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, राइट। चलिए तो यहाँ तक अपना सेशन होता है कंप्लीट, लेकिन आपको एंड तक रुकना है
ताकि आपको ऑफर के बारे में पता चले। 40% ऑफ चल रहा है अभी हमारे सभी कोर्सेज पर। जेआईबी लक्ष्य बैच जिसकी क्लासेस यहाँ पर 6 जैन से स्टार्ट हुई हैं, यदि आप एनरोल करना चाहते हैं हमारे इंग्लिश मीडियम बैच और बाइलिंगुअल बैच में से किसी भी बैच में, तो यू कैन एनरोल योर सेल्फ बाय गेटिंग 40% ऑफ ऑन यूजिंग कोड हिमांशु। आप यूज करेंगे कोड हिमांशु तो आपको 40% तक का ऑफ हमारे सभी कोर्सेज पर मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारी ये सभी आपको हमारे कोर्सेज पर मिलेगा, राइट। तो मैं आपको सारी फैसिलिटीज बता देता हूँ। जैसे कि मैं लक्ष्य बैच की बात करूँ, लक्ष्य बैच एक ऐसा बैच है जो कि इंडिविजुअल बैच है, जिसमें हम क्या करेंगे, 200+ लाइव आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ उन क्लासेस के साथ में आपको यहाँ पर हम काफी सारी फैसिलिटीज, जैसे कि क्लास के अलावा चारों पेपर का कवरेज एक ही कोर्स में देंगे, इंडिया के बेस्ट मेंटोर्स के साथ आप पढ़ सकते हैं, बैलेंस कवरेज होगा, केस स्टडीज, एमसीक्यूज, थ्योरी पोर्शन का, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे लाइव क्लास के साथ साथ, मतलब लाइव जो होगा वो तो रहेगा ही रहेगा, और वो अगर आप नहीं देख पाते हैं, देख भी लेते हैं तो भी वो आपके अकाउंट में रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेंगी जब तक आपकी वैलिडिटी है। टाइम टेबल बैंकर्स को ध्यान में रखते हुए अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग डिजाइन किया गया है। बायलिंगुअल बैच डेडिकेटेड है, जिसमें हमारा जो कंटेंट है वो इंग्लिश में, लेकिन हाँ एक्सप्लेनेशन प्रॉपर हिंदी में होगा, जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्लास नोट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट फॉर इजी लर्निंग एंड क्विक रिवीजन। जो भी क्लास नोट्स की पीडीएफ होंगी वो क्लास के तुरंत बाद अपलोड कर दी जाती हैं, ताकि आपको आसानी से वहां क्या मिले, क्लास की पीडीएफ रिवीजन के लिए मिल सके। अगला हमारा जेआईबी सुपर एलिट, ये सब्सक्रिप्शन है। मैं उन सभी बैंकर्स को सजेस्ट करता हूँ इसमें एनरोल करने को, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ इस कोर्स की, लक्ष्य बैच की, इसका एक्चुअल प्राइस है 3499, लेकिन चूंकि अभी ऑफर चल रहा है तो आपको ये कोर्स मिलता है 2099 में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं किसकी, आपको बताता हूँ सुपर एलिट की फैसिलिटी। सुपर एलिट का प्राइस है 5999, बट चूंकि ऑफर चल रहा है ऑफर प्राइस है इसका 3599। लक्ष्य बैच और सुपर एलिट या किसी भी इंडिविजुअल बैच और सुपर एलिट में जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो सिर्फ 1500 रुपीज का। कितने रुपीज का? 1500। और लेकिन इसमें मिलता क्या क्या डिफरेंस देखिए, जितने भी बैचेस हम लोगों ने अभी लॉन्च किए हैं या आगे लॉन्च होंगे मई जून 2024 के लिए, जब तक आपकी वैलिडिटी होती है तब तक आप जितने भी नए बैच पुराने बैच हमने लॉन्च किए सभी देख पाएंगे, सबका एक्सेस होगा। जैसे सेलेक्शन, सेलेक्शन लक्ष्य बैच, क्रैश कोर्स, क्रैकर, कैप्सूल, ये सारे बैचेस का। यू विल गेट एनरिच्ड कंटेंट ऑफ ऑल द 4 पेपर्स डिजाइन बाय द एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस बैंक प्रोफेशनल। जेआईबी सुपर एलिट का जो बेस्ट बोल सकता हूँ फीचर है वो ये है कि इसमें आपको यूनिट वाइज नोट्स मिलते हैं हमारे, कौन से, वो जो हम क्लास नोट्स देते हैं वो नहीं, उसके अलावा साथ ही साथ मॉक टेस्ट, केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलता है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यूज करना है कोड हिमांशु जब आपको एनरोल करना है अपने आपको, तो जल्दी से जाइए एनरोल कीजिए कोड यूज करके, सो दैट आपको ऑफर मिले कितने का, 40% लेस प्राइस में आप क्या कर पाओगे, एनरोल कर पाओगे हमारे कोर्सेज में। ये मोबाइल ऐप है, इसको डाउनलोड करना। यहाँ पे आप जाओगे तो फ्री ई नोट्स, कुछ फ्री क्लासेस और कुछ यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे ना, कुछ एक आध दो, ठीक है। यहीं से आप लाइव क्लास लेते हैं इसी ऐप से। इसके अलावा आप ऑलिव बोर्ड, जेआईबी, सीआईबी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करेंगे तो हमारे चैनल का जितना भी नोटिफिकेशन होगा ना, वो ऑन टाइम आपको आपके डिवाइसेस पर मिलता रहेगा। आप कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर हमारे साथ, लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स, फ्री ई बुक्स, डेली क्विज, डाउट क्लियरिंग और बाकी चीजों के लिए। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो ऑलिव बोर्ड का है वो @JIB_CIB_OB, इससे जा सकते हो। JIB विद हिमांशु शर्मा ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, इसकी लिंक यहाँ पर है। मैं यहाँ सेशन को एंड करूंगा, लेकिन बिफोर एंडिंग द सेशन मैं आपको बोलूंगा कि आप सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जा करके जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।